अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका हाउस। आज हम बनाएंगे पाए का सालन या पाए का सूप आप कह लें। ठंड का मौसम है तो पाए का सालन बनाना तो ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने पाए को लेके अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसे 1 टीस्पून सॉल्ट और पानी के साथ मैंने इसे अच्छे से 4 से 5 सीटी से विसल्स लेके पका लिया है। मसालों में हम लेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 3 मीडियम साइज़ के अनियन मैंने इसका पेस्ट बना के रख लिया है। के मसालों में लेंगे हम 1 से 2 तेज़पत्ता, 8 से 9 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। 1/2 कप ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें हम अखे मसाले डाल देंगे हमारे। जब हमारे अखे मसाले अच्छे से पक जाए तो इसमें हमने जो अनियन पेस्ट बना के रेडी किया था इसे डाल देंगे। अब इस मसालों को अच्छे से हमें भूनना है। हमारा जो अनियन है वो अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए, हमें इसे इतना भूनना, क्योंकि अनियन कच्चा अनियन हमने यूज़ किया है। इसलिए हमारे अनियन अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें हमारे सारे पाउडर मसाले ये सारे ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसालों को भी अच्छे से हमें ब्राउन करना है, अच्छे से भूनना है ब्राउन होने तक के। देखिए हमारा मसाला पक रहा है। अब हमारा मसाला पक चुका है, 10 से 15 मिनट लगा था मुझे इसे पकाने के लिए। मसाला हमारा रेडी है। अब हमने जो पाए लिए है बकरे के इसे हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम पाए को। इसे मिक्स करने के बाद में 2 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे इन मसालों के साथ में, ताकि मसालों का फ्लेवर वो पाए में आ जाए। अब हमारे पास जो बचा हुआ सूप है पाए का, इसे भी हम ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हमें बॉईल कर लेना है। 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए। हमारे पाए का सालन रेडी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।